संसद का मानसून सत्र आज से होगा शुरू। देश में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के बाद यह पहला सत्र होगा। मानसून सत्र में कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। कोविड 19 कुप्रबंधन, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत विपक्ष के मुख्य मुद्दे होंगे। संसद में वैक्सीन की कमी का मुद्दा उठाया जाएगा। इसके अलावा कृषि बिल को लेकर हो रहे प्रदर्शन पर भी सरकार को घेरने की होगी कोशिश। सत्र के पहले दिन सभी विपक्षी दल कृषि बिल और किसान आंदोलन के मुद्दे पर चर्चा के लिए लाएगी स्थगन प्रस्ताव। दोनों सदनों में स्थगन प्रस्ताव पर नोटिस देगा विपक्ष। प्रधानमंत्री मोदी मानसून सत्र शुरू होने से पहले मीडिया को करेंगे संबोधित। सुबह 10:15 पर मीडिया से करेंगे बात। ये मोदी आज करवाएंगे नए मंत्रियों का परिचय। नए मंत्री को आज सुबह 10:45 तक लोकसभा में पहुंचने को कहा गया है। मंगलवार को संसद के दोनों सदनों को संबोधित कर सकते हैं प्रधानमंत्री। सूत्रों के हवाले से खबर। देश में कोरोना के हालात की दे सकते हैं जानकारी। एनडीए की बैठक में पीएम मोदी का सभी सांसदों को निर्देश। कहा विपक्ष के हर सवाल के जवाब देने के लिए पूरी तैयारी के साथ संसद में पहुंचे। किसान नेताओं और दिल्ली पुलिस के बीच दूसरे दौर की बैठक आज। फिर होगी सिंघू बॉर्डर के पास पुलिस और किसान नेताओं के बीच बैठक। दिल्ली पुलिस आज अपनी बात किसानों के समक्ष रखेगी। रविवार को हुई बैठक में दिल्ली पुलिस ने किसानों की बात सुनी। 22 जुलाई से हर रोज 200 किसान संसद के करीब जंतर मंतर पर करना चाहते हैं प्रदर्शन। किसान संसद मानसून सत्र तक चलाना चाहते हैं। दिल्ली पुलिस ने डीएमआरसी को लिखी चिट्ठी। 7 मेट्रो स्टेशन पर अतिरिक्त निगरानी रखने के दिए निर्देश। प्रदर्शन के दौरान जरूरत पड़ने पर बंद कर सकते हैं 7 मेट्रो स्टेशन। गुरुग्राम में ढह गई 3 मंजिला इमारत। 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के दबे होने की आशंका। पुलिस और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। गुरुग्राम हादसे के बाद रात भर मलबा हटाने का काम जारी रहा। पिलर गिरने की वजह से गिर गई बिल्डिंग। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने से तबाही। 3 लोगों की मौत, 4 लापता हुए। बादल फटने से कई घर जमींदोज। उत्तरकाशी के ममांडो गांव में बादल फटा। बादल फटने से आया भारी मलबा। लापता लोगों की तलाश में जुटी एसडीआरएफ की टीम। दिल्ली में मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहावना। कई इलाकों में जल जमाव की भी समस्या। मुंबई और आसपास के इलाकों में आने वाले 5 दिनों की चेतावनी। मौसम विभाग ने जताया भारी बारिश का अनुमान। मुंबई के आसपास झीले लबालब भरी। नई मुंबई में भारी बारिश के बाद सड़कों पर आया सैलाब। जल भराव होने से कई सड़कों को किया गया बंद। भारी बारिश के बाद गोरखपुर का जिला अस्पताल भी हुआ पानी पानी। पूरे कैंपस में पानी भरने से डॉक्टर्स और मरीजों को हो रही है भारी परेशानी। नवजोत सिंह सिद्धू को मिली पंजाब कांग्रेस की कमान। सोनिया गांधी ने सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने का सुनाया फरमान। कांग्रेस ने पंजाब में 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए। पवन गोयल, कुलजीत नागराज, संगर समेत और सुखविंदर डेनी बने वर्किंग प्रेसिडेंट। सिद्धू के पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद अमृतसर में जश्न का माहौल। लोगों ने मिठाई खिलाकर ढोल नगाड़ों के साथ किया डांस। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकी मार गिराए। शोपियां में मारे गए आतंकियों में लश्कर का टॉप कमांडर भी शामिल। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। अफगानिस्तान ने इस्लामाबाद में खाली किया दूतावास। राजदूत की बेटी पर ज्यादती और तालिबान को समर्थन से नाराज अफगानिस्तान ने बुलाया अपना राष्ट्रदूत। इमरान खान को हुआ आरएसएस फोबिया। पीओके में चुनाव जीतने के लिए संघ का सहारा। कहा आरएसएस की वजह से परेशान हैं भारत के लोग। भारत के खिलाफ आईएसआई की एक और साजिश। तालिबानी एजेंटों को निर्देश। अफगानिस्तान में भारत के बनाए हुए ठिकानों पर हमला कर उन्हें बर्बाद करें। आईएसआई ने तालिबान के साथ साथ पाकिस्तानी लड़ाकों को भी भारतीय निर्मित संपत्तियों को नष्ट करने को कहा। न्यूज एजेंसी एनआई के हवाले से खबर। पाकिस्तानी सीमा के पास लहराया तालिबान का झंडा। तालिबान ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक प्रमुख सीमा चौकी के ऊपर अपना झंडा फहराया। तालिबान का दावा पाक सीमा के पास झंडा फहराने वाला इलाका उनके नियंत्रण में है। सोशल मीडिया पर वीडियो किया शेयर। कंधार के पास वाला इलाका। चीन के एक और करतूत आई सामने। चीन ने बड़े बड़े बांध बनाकर दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा कही जाने वाली मेकांग नदी का प्रवाह ही रोका। मेकांग नदी का पानी रोकने पर कंबोडिया, थाईलैंड और वियतनाम समेत 5 देशों में हाहाकार मचा। 7 करोड़ लोग हो रहे हैं प्रभावित। नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने शेर बहादुर। सदन में हासिल किया विश्वास मत। पक्ष में पड़े 165 वोट। प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ दोहरे हत्याकांड मामले में आज सुनवाई। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में होगी सुनवाई। मुंबई में नशे की बड़ी खेप बरामद की गई है। पुलिस ने 23.5 लाख रुपए की ड्रग्स के साथ 2 ड्रग पेडलर्स को भी गिरफ्तार किया। जनसंख्या नीति पर मनोहर राणा के जहरीले बोल। कहा ज्यादा बच्चे पैदा करना इसलिए जरूरी क्योंकि कुछ तो एनकाउंटर में मारे जाएंगे। केरल में बकरीद के मौके पर पाबंदियों में छूट देने के फैसले पर आईएमए का विरोध। आईएमए ने राज्य सरकार के फैसले पर जताई आपत्ति। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 41,000 से ज्यादा नए केस आए सामने जबकि 518 लोगों ने गंवाई जान।
राजधानी दिल्ली में करीब 4.5 महीने बाद आई अच्छी खबर। 2 मार्च के बाद पहली बार कोरोना से नहीं हुई कोई मौत, सिर्फ 51 नए मरीज मिले। उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली में भी इस साल नहीं होगी कांवड़ यात्रा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए कांवड़ यात्रा को रद्द करने का फैसला। हरियाणा में 26 जुलाई तक बढ़ा लॉकडाउन। क्लब और बार रात 11 और जिम 9 बजे तक खुल सकेंगे। हरियाणा सरकार ने जारी किए हैं आदेश। उत्तर प्रदेश के 7 जिले कोरोना फ्री। अलीगढ़, चित्रकूट, हाथरस और शामली में कोविड का एक भी केस नहीं सामने आया। 47 जिलों में कोरोना का एक भी नया मामला नहीं। केरल में नहीं रही है कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 13,956 नए लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 81 लोगों ने अपनी जान गंवाई। कासगंज में पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे में दूल्हे और उसके पिता समेत 4 लोगों की मौत। दुल्हन समेत 4 लोगों की हालत गंभीर। यूपी के कानपुर में दबंगों ने पुरोहितों और उसके भाई को सरेआम पीटा। आधा दर्जन गुंडों ने की मारपीट। यूपी के कुशीनगर में खेत में पड़ी मिली शराब की बोतलें। खबर मिलते ही बोतल बटोरने के लिए टूट पड़े लोग। थैले भर भर कर शराब ले गए घर। यूपी के बदायूं में मानकों को ताक पर रखकर बिछाई गई अंडरग्राउंड केबल। तारों में शॉर्ट सर्किट से कई बेजुबा और बेगुनाहों की जा चुकी है जान। यूपी बहराइच के करतनिया घाट अभयारण्य में बड़ी घड़ियालों की संख्या। डीएफओ के मुताबिक यहां का वातावरण जलीय जीवों के लिए अनुकूल है। किसान अब किसी भी कंपनी से आधे दाम में ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। पीएम किसान योजना के तहत ट्रैक्टर खरीदने पर सरकार 50% की सब्सिडी देगी।